वही दिन है जब भारत के 3 सबसे बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव थापर सिर्फ 23 के थे और शिवराम राजगुरु महज 22 के थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने इतना छोटा जीवन जिया, लेकिन फिर भी हम उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख चेहरों के रूप में याद करते हैं। सुखदेव और भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए अपना संघर्ष तब शुरू किया जब वे कॉलेज में ही थे। उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसे उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम दिया, ताकि वो अपने कॉलेज के साथियों और दूसरे युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकें। कुछ सालों बाद उनकी मुलाकात राजगुरु से हुई। पुणे निवासी राजगुरु एक संस्कृत के विद्वान और एक पहलवान भी थे। चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित होकर वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। 1927 में भारत के लिए संवैधानिक सुधार और स्वशासन की संभावना पर रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के न होने से कई स्वतंत्रता सेनानी बहुत नाराज हुए। लाला लाजपत राय भी उनमें से एक थे। उन्होंने 1928 में लाहौर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय को पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने निशाना बनाया और बुरी तरह पीटा। गंभीर रूप से घायल होने के कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन ने क्रांतिकारी मोड़ ले लिया और बहुत से नौजवान क्रांतिकारियों ने इसमें शहीद हुए लाला जी और अन्य लोगों की शहादत का बदला लेने की ठानी, तो उन्होंने जेम्स स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई, जिसने लाला जी को पीट पीट कर मृत्यु तक पहुंचा दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु सहायक अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को मारने में सफल भी रहे, जिसने पुलिस के एक बड़े तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी, लेकिन वो भागने में सफल रहे। पुलिस की इन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने की ढेरों कोशिशों के बावजूद भी ये नौजवान चुप नहीं बैठे और न ही उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें छोड़ी। 1929 में अंग्रेज सरकार ने ऐसे बिल पास करने की योजना बनाई जो भारतीयों के अधिकारों को और भी ज़्यादा दबाने वाले थे। तब उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ने की योजना बनाई। इस धुएं वाले बॉम्ब को फेंकने का इरादा किसी को मारना नहीं था। ये इसलिए था ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए और वो अपने साथी भारतीयों को जगा पाएं और प्रेरित कर सकें। हालांकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका, वहां मची घबराहट और भगदड़ में भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वहीं खड़े रहकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तो ये जानते हुए भी कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, वो वहां गए। सुखदेव और राजगुरु भी पकड़े गए जब लाहौर में पुलिस को उनकी बॉम्ब फैक्ट्री का पता लग गया। असल में इस मामले में सुखदेव मुख्य आरोपी थे। आधिकारिक रूप से इस मामले को अंग्रेजी राज बनाम सुखदेव और साथी के नाम से पुकारा गया। इन सभी क्रांतिकारी घटनाओं की योजना बनाने वालों में सुखदेव ही प्रमुख थे। यहाँ तक कि जेल में भी वो खामोश नहीं बैठे। मुकदमे के दौरान भगत सिंह और उनके साथियों ने प्रसिद्ध जेल भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो कि जेल में ब्रिटिश कैदियों के मुकाबले भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार के खिलाफ थी। वो अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग ये थी कि क्रांतिकारियों के साथ राजनैतिक कैदियों की तरह व्यवहार किया जाए। आखिर में अंग्रेजों ने उनकी कुछ मांगे मान ली और उनमें से ज्यादातर ने सितम्बर में अपनी हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन भगत सिंह के लिए ये काफी नहीं था। उन्होंने अब भी भारतीय कैदियों को राजनीतिक कैदियों की तरह मान्यता मिलने की मांग जारी रखी। आखिर में अपने पिता के सीधे आग्रह का मान रखते हुए उन्होंने 116 दिनों बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 23 मार्च 1931 को ये बहादुर लोग अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने अपने चेहरे पर काला कपड़ा ढकने से इनकार कर दिया, अपने ही हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डाला। महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा कम करवाने की कोशिश की। फांसी के ठीक पहले सुखदेव ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, हमारे फांसी पर चढ़ने से भारत को ज्यादा फायदा होगा बजाय हमारी सजा के कम होने से। ऐसी थी इन युवाओं की भक्ति कि उन्होंने खुशी खुशी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और इस दिन हम याद करते हैं कि कैसे राष्ट्र के लिए उनके जीवन की भेंट ने इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सभी के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया है। नमस्कार।